और अगली खबर भी भोपाल से ही, जहां पूर्व मंत्री उमंग सिंगार का ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में उन्होंने सब शब्दों की सारी मर्यादाओं को पार कर लिया, सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। सीएम के घुटने टेकने को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, सीएम शिवराज को दुर्जन व्यक्ति की संज्ञा दी है। रामचरित्र मानस का उदाहरण देते हुए उन्होंने सीएम को दुर्जन व्यक्ति की संज्ञा दी। दुर्जन व्यक्ति का झुकना आने वाले संकट का संकेत हो सकता है, ये कहा है उमंग सिंगार ने अपने ट्वीट के जरिए। लगातार कांग्रेसियों की तरफ से इस तरह की टिप्पणी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी खुद बैकफुट पर नजर आती है या फिर परेशान हो जाती है, क्योंकि लपक लेती है बीजेपी ऐसे मुद्दों को और फिर जनता से जुड़कर ऐसे तमाम उनके बयानों को देखा जाता है। अंकुर अधवारी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दुर्जन व्यक्ति का झुकना आने वाले संकट का संकेत होता है, ये संकेत उमंग सिंगार की परेशानी तो नहीं बढ़ा देगा, क्योंकि जो बयानबाजियां कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं वो पार्टी को ही परेशान कर रही हैं। निश्चित तौर पर उपचुनाव में देखने में आया है कि कांग्रेस की तरफ से जो एक शब्दों की मर्यादा होती है वो मर्यादा बिल्कुल भूल जा चुकी है। ऐसा ही एक बयान पहले आया है किसान कांग्रेस के अध्यक्ष का, उसके बाद अब उमंग सिंगार है जो पूर्व मंत्री, उन्होंने मुख्यमंत्री को दुर्जन व्यक्ति का, निश्चित तौर पर जो शब्दों की मर्यादा है वो भूलते जा रहा है। और इससे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा बल्कि कांग्रेस का जो उपचुनाव है उसमें भी इसमें काफी उनको परेशानी हो सकती है। बिल्कुल अंकुर, तो पहले दिनेश गुर्जर की टिप्पणी सीएम पर डायरेक्ट और अब उमंग सिंगार का ये ट्वीट, किसी तरह का कोई बयान अब निकल कर सामने आ रहा है, किसी ने इस पर टिप्पणी की हो? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी से जब इस मामले में बात की तो कांग्रेस पार्टियों का कहना है कि ये उमंग सिंगार का निजी बयान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के द्वारा इस बयान को लेकर कटाक्ष किया जा रहा है कि जो व्यक्ति 15 साल से प्रदेश की सेवा कर रहा है उस व्यक्ति के बारे में इस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अंकुर। ठीक, तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब सभा को संबोधित कर रहे थे उससे पहले ग्वालियर चंबल का दौरा लगातार वो कर रहे हैं। जब वो पहुंचे तो वहां सबसे पहले उन्होंने घुटने टेक कर जनता का अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद अपना संबोधन शुरू किया। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद लगातार कांग्रेस की तरफ से तस्वीर को लेकर हमला किया जा रहा है, टिप्पणियां की जा रही हैं, तंज कसे जा रहे हैं और बीजेपी उस हर एक टिप्पणी का और हर एक तंज का जवाब जनता से जोड़ कर दे रही है, जिसके लिए मुसीबत खुद कांग्रेस की खड़ी हो रही है। क्योंकि जिस तरह से इस फोटो को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया, इस फोटो को उन्होंने जनता से कनेक्ट किया,